छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसकी जानकारी दी है। अभियान को लेकर अरुण साव का बड़ा बयान है, बीजेपी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है, सदस्यता दिलाने के लिए बनाए गए हैं प्रभारी, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर और जिला स्तर पर प्रभारी बनाए गए हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने वाली है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय किया है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर इसके लिए प्रभारी बनाए गए हैं और इस अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक होगी। बैठक में किस प्रकार से प्रदेश में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा इसको लेकर योजना बनेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे रायपुर का। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कहीं ना कहीं यही बीजेपी को मजबूत बनाता है, लगातार अभियान चलाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए फिर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होने जा रही है प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए सुमित, आगे अमी दिनों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव से पहले पे अब सदस्यता अभियान के माध्यम से तमाम लोगों को जोड़ा जा रहा है और इस बार 10 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए कल दिल्ली में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद में छत्तीसगढ़ में भी बैठक होगी, प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है, प्रभारी और सह प्रभारी भी आगामी समय पर छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और दौरा करने के साथ पे इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कैसे चरणबद्ध तरीके से योजनाएं चलानी है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ पे लोग बीजेपी से जुड़े इसको लेकर तैयारी की जाएगी। और पिछले दिनों जब सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी उस समय एक कॉल नंबर भी जारी किया गया था, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके तमाम लोग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते थे। इसके अलावा ईमेल भी जारी किए गए थे और कई माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ने के लिए जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई थी। तो उसी के तहत पे आगामी दिनों पर छत्तीसगढ़ में भी बैठक होगी और बैठक होने के बाद में यहां कैसे लोगों को जोड़ना है, बीजेपी की विचारधारा के प्रति लोगों को अपने साथ लेना है, वो तमाम चीजों को लेकर रूपरेखा तय होगी। तो कल दिल्ली के बैठक के बाद में यहां आगामी दिनों पर बैठक होगी और छत्तीसगढ़ में भी लाखों की संख्या पे लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए स्वरूप तैयार होगा।